तो आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि उत्सव, इस उत्सव का अंगन में उनका ही गुण कीर्तन होना चाहिए। जो महाराज जी ऐसा एक महान सन्यासी है जिन्होंने प्रभुपाद जी हरिबोल, प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए चार नियम, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, इसके ऊपर आधारित होकर सबसे कठिन परिस्थिति में, कठिन कठिन जगह में जाकर गोपाल कृष्ण को सही महाराज प्रचार करना चालू की थी। विशेष रूप से महाराज जी जब रशिया प्रचार करना चालू की थी, रशिया में ऐसे एक रशिया ऐसे एक देश है जहाँ पे कोई भी धार्मिक कार्यकलाप करने मना होता था, लेकिन महाराज अपना जीवन संकट को सामने रखकर हर तरीके से समस्या आ रहे थे, फिर भी महाराज ने ये चार नियम को लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किए थे उन्होंने रशिया में जाकर। मेरे को याद है कि एक बार महाराज बता रहे थे कि मैंने जब पहला रशिया में गए थे, मेरे को रशियन लैंग्वेज कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने एक टीचर रखा था रशियन लैंग्वेज को सीखने के लिए। कम से कम ये रशियन लैंग्वेज सीखने का नाते मैं जाके कम से कम कन्विंस कर सकता हूँ किसी को जो व्हाट इज़ द रियल कृष्ण कॉन्शसनेस। तो मैंने एक टीचर के द्वारा मैंने रशियन लैंग्वेज भी सीखा हूँ। प्रभुपाद जी का कृपा से उन्होंने आज भी रशिया में जाकर रशियन लैंग्वेज में प्रचार करते हैं, और हर साल गौर पूर्णिमा जिन्होंने जाते हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे रशियन भक्त आते हैं। आज रशियन एक अलग टीम बनते हैं, तो महाराज जी ये रशियन टीम को लेकर बहुत सारे गौड़ीय पार्श्व स्थान में जाकर रशिया में उन्होंने लेक्चर देना चालू की थी। और महाराज ऐसा एक इस्कॉन सन्यासी है जो जब तक मैंने देखा हूँ कि जिन्होंने आज तक कभी भी कुछ मान नहीं मांगते हैं किसी के पास। एक बार मेरे को याद है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत का प्रधानमंत्री थे, तो दो दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए बम्बई एयरपोर्ट में। मैं कुछ काम के लिए बम्बई एयरपोर्ट गए थे, तो जाके देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी उसको रेड कारपेट से, रेड चैनल से निकल रहा है, जो जो वीवीआईपी होता है ना, तो उसको रेड चैनल में निकलना पड़ता है। तो दो दिन बाद महाराज जी भी आ रहे थे शायद मस्को से, तो मेरे ऊपर ये सेवा अर्पित किया गया था कि महाराज को जाके अब अंदर से रिसेप्शन करके लेकर आओ कि अच्छे तरीके से उनको बाहर लेकर आना। तो मैंने सोचा कि चलो अटल वाजपेयी को मैंने देखा कि रेड कारपेट से निकल रहे हैं, तो मैं भी अपना महाराज को रेड कारपेट से निकल दूंगा। और जिस तरीक़ा से अटल बिहारी वाजपेयी को सिक्योरिटी सेफ के द्वारा लेकर आए रेड चैनल से, मैं भी सोच के रखा कि उसी तरीके से मैं भी लेकर आऊँगा, तो इस्कॉन का नाम होगा, प्रभुपाद जी का नाम, महाराज भी संतुष्ट हो जाएंगे, साथ साथ मेरा भी नाम हो जाएगा बहुत सारे। तो ये सोचकर मैंने पहले से बहुत सारे सिक्योरिटी को, बहुत सारे कंजर्मेंट्स को सब रख दिया था सेटिंग करके कि देखो हमारा गुरु महाराज आ रहा है, इस्कॉन का बहुत बड़ा सन्यासी है, उनको भी इसी तरीके से रेड कारपेट से निकलना चाहिए। तो वो लोग भी मेरे को बोलते हैं, हाँ स्वामी जी डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। तो मैं महाराज जी आने का पहले ही सब कुछ बंदोबस्त करके रख दिया, रेड चैनल से महाराज जी को निकल रहे थे। तो महाराज ने देखा कि आगे पीछे सब सिक्योरिटी गार्ड है, तो मैंने सोचा कि महाराज मेरे को बड़ा खुश होकर बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। तो महाराज रेड चैनल से तो मैंने बाहर में लेकर आया है, बाद में बोलते हैं चंड को भी मैंने चोर डकैत नहीं हूँ। अरे मैं तो सरप्राइज हो गया, मैं सोचा कुछ थैंक यू बोलेंगे मेरे को महाराज, लेकिन महाराज मेरे को बोलते हैं मैं तो चोर डकैत नहीं हूँ। तो मैं बोला महाराज मेरा मन में इच्छा था कि मैं आपको अच्छे तरीके से लेकर आऊँ। बोलता है आपने जिस तरीके से बंदोबस्त की हो ना, जैसे कि चोर डाकात आते हैं ना, किसी को अरेस्ट होता है, आजू बाजू में पुलिस, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, मिडिल में पुलिस, इसी तरीके से मेरे को लेकर आता, मैं चोर डाकात नहीं हूँ, मैं संत हूँ, सन्यासी हूँ मैं। तो मैं बड़ा दुखी हो गए, मैं सोचा मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा, थैंक्स बोलेंगे महाराज, तो थैंक्स का जगह में मैंने दूसरा थैंक्स मैंने सुन लिया हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो बाहर में महाराज जी आए
तो मैंने महाराज जी को पूछा, महाराज मेरे तो मन में इच्छा था कि दो दिन पहले मैंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी इसी तरीका से आते थे। बोलते वो सब पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर को इसी तरीके से आना पड़ता है कि जो लीडर बनते हैं ना पॉलिटिकल लीडर, वो बचपन में चोर डकैत थे इसके लिए पॉलिटिकल लीडर बन गए। वो लोग इलेक्शन के समय कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन साधु संत कभी झूठ नहीं बोलते। तो महाराज जी का ऐसा एक महान चरित्र है और उनका आध्यात्मिक मार्ग तो पूरा विश्वभर सबको पता है कि महाराज जी जहाँ पे भी रहते हैं, भले भी 3:30 बजे 4 बजे भी आए तो फिर भी महाराज जी मंगल आरती में अटेंड हो जाते हैं। हम लोग तो कभी 2 बजे भी अगर सो गए तो बहाना बना देता हूँ दूसरा दिन में, नहीं 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 आज बाबा मैंने सोना है, मेरे को सेवा नहीं करना है सुबह। ऐसा तो मैंने बहुत बार मैंने देखा हूँ कि कोई दूसरा भक्त संग बजा लिए राजबिहारी में तो महाराज पीछे से बोले हरी बोल हरी बोल, तो सब लोग सोच लिया अरे भाई महाराज जी आ गए चलो मेरे को। तो वो संग बजा के अंदर आए, आके देखे कि महाराज ने अगरबत्ती जला रहे। तो महाराज जी के ऐसे एक आध्यात्मिक चेतना है जिन्होंने कभी भी ये 4 नियम का ऊपर किसी के साथ कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की थी और एक शब्द कभी उन्होंने मुख से निकाला नहीं, वो है गेट आउट। एक बार मायापुर में कुछ दिन पहले एक इष्टगोष्ठी चल रहा था, तो उसी इष्टगोष्ठी में कोई एक विदेशी भक्त महाराज को पूछे, महाराज आपका मुख से मैंने कभी गेट आउट शब्द नहीं सुना हूँ। तो महाराज जी ने हंसते हंसते बताया कि मेरा एक पर्सनल डिक्शनरी है, जिस डिक्शनरी में मैंने एक गेट आउट शब्द को उसी बुक से मैंने निकल दिया हूँ। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए किस तरीके से महाराज बातचीत कर रहे हैं, कि मायापुर में बहुत बड़ा समस्या चल रहा था उसी समय। तो महाराज को बुला के लेके गए ये लोगों ने, महाराज बजरी प्रभु सब लोग गए। बाद में बहुत बड़ा एकदम धमाका मीटिंग जिसको बोलते हैं, पूरा मायापुर ब्रह्मचारी एक हो गए और होकर महाराज जी गए। तो महाराज जी को बड़ा शांत रूप से वो लोगों ने सुना बातचीत को। बातचीत सुनने के बाद महाराज जी आधा घंटा के ऊपर इसके ऊपर लेक्चर दी थी कि व्हाट इज द रियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इस्कॉन। तो बाद में महाराज जी ने पूछने लगे, मैंने तो मेरा मन में जो कुछ था मैंने सब कुछ बोल दिया हूँ, लेकिन उसमें मायापुर में चल रहा था देशी और विदेशी भक्तों का लड़ाई। तो मायापुर ने जब महाराज जी 40 मिनट लेक्चर देने के बाद महाराज जी ने पूछने लगे कि किसी का कुछ प्रश्न है, डज एनी क्वेश्चंस। तो एक भक्त ने पूछा, महाराज आपने इतने सारे चीज बता दिए लेकिन एक बार भी एक गेट आउट शब्द आपने प्रयोग नहीं की थी। तो महाराज जी ने बताया कि मेरा डिक्शनरी में एक गेट आउट बोलकर कोई शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहता, भले भी जितना भी गलती करे मैं कभी ऐसा नहीं बोला हूँ आज तक कि आप मंदिर से छोड़ दो, मंदिर आप छोड़ दो। उनका सामने बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा हूँ जिन्होंने बोलते रहते हैं आई डोंट वांट टू सी योर फेस फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, लेकिन महाराज जी शांत होकर बोलते थे ऐसा मत बोलो कभी भी किसी को, डोंट वांट टू सी योर फेस इन टुमारो मॉर्निंग। तो महाराज ऐसे एक महान चरित्र है जिसके द्वारा कभी भी उन्होंने किसी को एक गेट आउट शब्द को नहीं बोला। इसको कहते कि महान सन्यासी, जिसका अंदर हर तरीके से महान गुण है। इसका गुण रहने का कारण क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संग की थी, गृहस्थ समय से श्रील प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने संग की थी, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी उनको पूरा इंडिया को संभालने के लिए सब कुछ दे दिया था। जो एक बार मैंने किताब पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा है कि गोपाल कृष्णा आई एम गिविंग यू द टोटल इंडिया एंड यू शुड केयर वेरी नाइसली। तो महाराज ऐसे एक महान सन्यासी जिसके द्वारा प्रभुपाद जी के द्वारा उन्होंने पूरा इंडिया का दायित्व मिल गए थे एवं विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया को। तो देखिए प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से नॉर्थ इंडिया को किस तरीका से उन्होंने डेवलप किए, जो कि साउथ बोलिए वेस्टर्न बोलिए ईस्टर्न इंडिया बोलिए कहाँ पर भी इतने सारे नए मंदिर है जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मंदिर है, ये सब महाराज जी का आशीर्वाद से हुए। तो आज का एक परम पवित्र तिथि, जिस तिथि में मैंने राधा गिरिधारी के चरण में मेरा प्रार्थना रहता है कि महाराज जी इसी तरीका से सुस्त होकर अपना प्रचार को आगे बढ़ाए, हम लोग को भी आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण।